गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 50। बच्चे पेज नंबर 50 है जो आपका, वो है लेसन 8 यानी कि विंड। विंड मतलब होता है हवा। विंड मतलब क्या होता है? हवा। आपने इससे पहले पढ़ा था एयर। एयर मतलब भी हवा होती है, विंड मतलब भी हवा है। अब देखिए हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एयर सर्टेन्स और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। देखिए हवा है, जो हवा बहती है उसे हम कहते हैं विंड। ठीक है। स्विच ऑन अ फैन इन योर रूम। आप अपने कमरे में आते हैं, अपने फैन को क्या करते हैं? ऑन करते हैं। करते हैं यू विल फील एयर। मेक द फैन गो वेरी फास्ट। जब हवा बहती है, हवा मतलब चलती है, आप उसको महसूस करते हो। कमरा बंद है, उसमें कोई हवा नहीं है, हमने गए हम कमरे में, हमने फ़ैन को ऑन किया, जैसे फ़ैन ऑन हुआ पंखा चलने लग गया और हवा आने लगी, तो हमने उस हवा को क्या किया? महसूस किया। मेक द फैन गो वेरी फास्ट। और जब पंखा बहुत तेज चलता है, बहुत स्पीड में, जैसे हमने 5th पे लगा दिया पंखा, यू विल सी दैट द पेपर्स ऑन द टेबल एंड अदर लाइट थिंग्स विल स्टार्ट फ्लाइंग। आप क्या देखोगे, जब पंखा बहुत तेज़ी से चलने लगता है तो हमने टेबल में अगर कोई कागज़ रखे हैं, छोटी कागज के टुकड़े हमारे कमरे में पड़े हुए हैं, कोई हल्का सामान है, तो वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है ना। दिस शोज दैट एयर इज़ ब्लोइंग थ्रू द रूम। अब इससे पता चलता है कि कमरे में क्या है? हवा है। अब देखिए विंड हैज़ डायरेक्शन। हवा की क्या होती है? एक डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। अब कैसे समझेंगे हम? टेक सम सैंड इन योर हैंड्स। अपने हाथ में कुछ रेत पकड़िए। रेत आप जानते हो, रेत आप पकड़िए। रेज योर हैंड्स, ड्रॉप द सैंड टू ग्राउंड लिटिल बाय लिटिल। अब अपनी मुट्ठी को बंद करिए और जो मुट्ठी के नीचे से ये होल होता है, इससे थोड़ा थोड़ा रेत गिराइए। हल्के हल्के हाथों से रेत को गिराइए। द सैंड विल गो इन द डायरेक्शन इन विच द विंड इज मूविंग। अब रेत किधर को उड़ेगी? जिधर, जिस साइड को हवा बह रही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हवा की दिशा किस तरफ से, हवा किस तरफ से आ रही है। देखिए हमारी जो मम्मी लोग होते हैं, दादा दादी लोग होते हैं, जैसे पुराने टाइम पर खेतों में काम करते थे तो क्या करते थे? अनाज को साफ़ करते थे। तो अनाज को साफ़ किससे करते थे? हवा में ही करते थे। तो वो जो उनके पास सामान होता था, जैसे सूप बोलते हैं, जिससे उसमें वो अनाज डालते थे, और उसके बाद क्या करते थे, वो जहाँ को हवा की डायरेक्शन आती थी उधर को, उसको नीचे ज़मीन में गिराते थे, तो इससे उसका कूड़ा दूर हो जाता था। तो हवा क्या होती है? एक डायरेक्शन में उड़ती है, चलती है, बहती है, जिसे हम कहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं विंड हैज़ स्पीड। हवा की क्या होती है? एक स्पीड होती है। विंड हैज़ स्पीड, समटाइम्स द विंड इज़ वेरी स्ट्रांग। कभी कभी आपने देखा होगा कि हवा बहुत तेज चलती है, बहुत स्पीड से चलती है, तेज़ी से चलती है, एंड ब्लोज वेरी फास्ट, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ हवा आती है। आती है ना कभी कभी, एकदम हम कहते हैं बाप रे कितनी तेज़ हवा चल रही है आज। नाउ टर्न योर पेज। इट ब्लोज अवे द थिंग्स विच कम इन इट्स वे। और कभी कभी हवा इतनी तेज़ चलती है कि अगर उसके सामने कुछ भी है तो उसको भी अपने साथ उड़ा के ले जाती है, जो भी उसके सामने रास्ते में आता है। इट ब्लोज अवे फीडर्स, लीव्स, पेपर एंड इवन हैवियर थिंग्स। हवा अपने साथ क्या ले जाती है? पत्ते ले जाती है, घास उड़ा के ले जाती है, पेड़ों की जो तिनके होते हैं वो ले जाती है, और कभी कभी क्या करती है? भारी चीज़ें भी उड़ा के ले जाती है। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉल्ड स्टॉर्म्स। जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो उस हवा को हम कहते हैं स्ट्रॉम्स, यानी कि तूफान। तूफान तो आपको पता है, जब तूफान आता है तो बहुत ही भयंकर आता है। क्या होता है? वो बहुत सारी चीज़ें क्या ले जाता है? गिरा के, तोड़ के ले जाता है। स्ट्रॉम्स कैन बी हार्मफुल। तूफान क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है, हम सब के लिए नुकसानदायक होता है। दे
आर ऑल्सो दे आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे ब्रेक ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज और इवन अपरूट बिग ट्रीज। जो तूफान होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना खतरनाक हो जाता है कभी कभी, कि वो क्या करता है, पेड़ों की टहनियाँ ही तोड़ देता है, पेड़ों की टहनियाँ तोड़ देता है और कभी कभी पेड़ों को जड़ से भी उखाड़ देता है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी में आपने सुना होगा कि जब तूफान आते हैं तो उसका जो क्या होता है, पहले हमको समाचार मिल जाता है कि आज तूफान आने वाला है। और जब हम देखते हैं तूफान के बाद कितना नुकसान होता है, कहीं पे पेड़ गिर जाते हैं, कोई मकान भी गिर जाते हैं, तूफानों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपने हम इस शहर में भी देखा होगा कभी कभी क्या होते हैं, बहुत पुराने पुराने पेड़ गिर जाते हैं। तो किस लिए होते हैं, तूफान इतना तेज़ी से आता है जिससे कि वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। सम टाइम्स द विंड ब्लोज एज आज स्लो स्पीड, और कभी कभी क्या होता है, हवा बहुत ही धीरे, बहुत ही मतलब धीरे धीरे बहती है, यानी कि आती है हवा बहुत धीरे धीरे। इट इज़ सो स्लो दैट यू मे नॉट इवन फील, वो इतनी धीरे से आती है कि हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते। व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज, जब हवा क्या है बहुत ही मंद मंद जो हवा बहती है, यानी कि सुकून से प्यार से हवा बहती है, इसको हम कहते हैं ब्रीज। यानी कि जो हवा होती है वो क्या होती है, बिल्कुल हमको महसूस भी नहीं होता, इतनी अच्छी हवा चलती रहती है, उसको हम कहते हैं ब्रीज। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज आपने पढ़ा किसके बारे में, एयर के बारे में, सॉरी विंड के बारे में पढ़ा। तो विंड की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, उसकी एक दिशा होती है। विंड की क्या होती है, स्पीड होती है, बहुत गति होती है उसकी। और जब ज़्यादा तेज़ जो आती है विंड, जब बहती है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉम्स, और जब हल्की बहती है उसको हम कहते हैं ब्रीज। तो आज हम इतना ही करेंगे, ओके।